आपको हमारा नमस्कार। तो आप कैसे हैं? आज हम आपको एक दिव्य जोड़ी के बारे में बता रहे हैं जो आप जानते होंगे पर इन्हें बारीकी से नहीं देखे होंगे। इन्हीं का नाम है सियार सिंघी। आज हम इन्हीं के बारे में, इनके घर में रखने से क्या फ़ायदे हैं, इनके बारे में आज हम बता रहे हैं। यह सियार सिंघी जंगलों में पाए जाते हैं। ये 100 सियार में कोई एक सियार को ही मस्तक पर इनका होता है जो माथे पर उगा होता है। ये छोटे आकार में गोल होते हैं। ये उनके माथे से धीरे धीरे बड़े होकर टूटकर गिर जाते हैं। तब जाकर इसे आप जो पाता है वे जंगल से लाता है, वो इसे या तो अपने घर में रखते हैं या इसे बेचते हैं। याद रहे, ज़्यादातर ये नकली ही होते हैं और ये बाज़ार में बहुत ही धड़ल्ले से बेचा जाता है। ये नकली, इनको बनाने में लोग बहुत ही सहज तरीके से बना लेते हैं, पर नकली कभी भी काम में नहीं आता। अगर आपके पास असली हो तो आप इसे सिद्ध करके रख सकते हैं। आइए हम सिद्ध करने की प्रक्रिया बताते हैं। इसे धनतेरस के दिन एक चांदी के डिबिया में इसे रखना चाहिए। सियार सिंघी उस चांदी के डिबिया में अट सके। चांदी की डिबिया में जितना बड़ा ये है, इनसे थोड़ा बड़ा बना करके उसमें सिंदूर डाल करके फिर इसे रख लें और बंद कर दें। ये उसी में धीरे धीरे ये बढ़ता है। यही ओरिजिनल सियार सिंघी है। पहले आप लाल वस्त्र बिछा कर उसके ऊपर इस बंद चांदी के डिबिया के अंदर जो सियार सिंघी है उसको रख दें। फिर इनके बाद उनके सामने एक दीपक प्रज्वलित कर दें जो घी का हो। आप पूरी विश्वास और श्रद्धा से इसे पूजा करें। अगर आपको फूल मिल जाए जो गुलाब का हो, कमल का फूल हो, मोगरे का फूल हो, तो इसे आप चढ़ा दें। नहीं मिल रहा हो तो कोई बात नहीं है। और इनके बाद कुछ चावल, साबुत लौंग 7, इलायची 7 इसे ऊपर चढ़ा दें। गूगल की धुनी दें। जब तक दीप जलता है तब तक इसे आप ना उठाएं। बाद में इसे पैसे के रखने के स्थान में रख दें। इस तरह दीपावली तक आपको करना है। आपको आपके पैसे से जुड़ी समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। अगर कर्ज ज़्यादा हो तो उतर जाएगी, फिर तो पैसे ही पैसे होंगे। बस याद रहे, आप इसे पूरी श्रद्धा से इसे सिद्ध करें तो ही ये आपके कारीगर हो सकता है। इसे अपने जेब में रख कर जाएंगे तो वशीकरण का भी एक अच्छा प्रभाव है, जिसको यह लौंग या इलायची अगर आप खिलाते हैं तो वह आपके बात के अनुसार चलने लगता है। अगर आपके कुंडली में दोष जैसा भी हो, चाहे पितृ दोष हो, चाहे मृत्यु दोष हो, चाहे काल्प सर्प दोष हो, इनको रखने से ही समाप्त हो जाता है। ये अपने पास रहना चाहिए। अगर ये आपको ओरिजिनल मिल जाता है तो आपका भाग ही बदल जाता है। अगर आपके पास ओरिजिनल है तो आप इनका उपयोग अवश्य कर सकते हैं और करके देखिए और हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। तब तक के लिए नमस्कार।